गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल प्रैक्टिस, डिटरमिनर्स प्रैक्टिस, प्रीपोजिशन प्रैक्टिस और टेंस प्रैक्टिस। इन सभी की प्रैक्टिस से संबंधित कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस, सुरेश इज डैश बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। ए एन द, नो आर्टिकल, आंसर है इसका द। देखो इसका द ही आंसर क्यों है। सुरेश इज द बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। सुरेश वह लड़का है जिसने मेरिट लिस्ट में जगह प्राप्त की है। दी का, दी एक डेफिनेट आर्टिकल है। दी का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करते हैं जो डेफिनेट हो। यहाँ पर बॉय था तो इनडेफिनेट, परंतु उसको इस क्लाज ने हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, इस क्लाज ने बॉय को निश्चित कर दिया है, डेफिनेट बना दिया है। कौन सा लड़का? वह जिसने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। इसलिए वो चूंकि डेफिनेट हो गया, तो डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ है। सुरेश इज द बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। देखते हैं सेकेंड सेंटेंस है, हियर इज बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। हियर इज डैश डैश बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। फर्स्ट ऑप्शन ए एन द, नो आर्टिकल, सही आंसर है द। देखो द क्यों है सही आंसर। हियर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, वह पुस्तक कहाँ है जो मैंने तुम्हें कल दी। वह पुस्तक कहाँ है जो मैंने तुम्हें कल दी। जो बुक है, बुक को निश्चित बनाया है इस क्लाज ने। दैट आई गेव यू यस्टरडे, जो मैंने तुम्हें कल दी। इस क्लाज ने बुक को निश्चित बना दिया, इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग हुआ। हियर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। थर्ड नंबर पर है, ही टीच्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ही टीच्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। पहला ए, सेकंड एन, थर्ड द और फोर्थ नंबर पर नो आर्टिकल, सही आंसर है इसका ए। देखो ए क्यों है। ए का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं, ए का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और ए और एन का प्रयोग हम, ए का प्रयोग उस नाउन के पहले करते हैं जो सिंगुलर है, काउंटेबल है, और उसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन जैसा है। और एन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो अब जो नाउन है सिंगुलर है, काउंटेबल है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह वावल जैसा है। तो जब हम यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस करते हैं तो यू यानी या आता है, या एक व्यंजन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया। ही टीच्स इन अ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, है ही खालिस्तान माई बैग इन हिज, ही खालिस्तान माई पेन इन हिज बैग। उसने अपने थैले में मेरा पेन छुपाया। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड, सेकंड है हिड, थर्ड है हिडन और फोर्थ नंबर पर हाइडिंग। इसमें या तो वर्ब का पहला फॉर्म आ सकता था, या वर्ब का सेकंड फॉर्म, या वर्ब में एस, दो फॉर्म आ सकते थे। ही के साथ में वर्ब में एस या एस फॉर्म आता। चूँकि यहाँ पर एस फॉर्म दिया नहीं गया है, इसलिए अब आना है सेकंड फॉर्म। तो हेड, हाइट का हाइट फर्स्ट फॉर्म है, हेड है सेकंड फॉर्म, तो इसका सही आंसर हेड है। ही हेड माई पेन इन हिज बैग। क्योंकि अगर हम हाइडिंग रखते हैं तो हाइडिंग के पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। कौन कौन सी? इज, एम, आर या बाज बार, जो कि है नहीं है। हिडन वर्ब का तीसरा रूप है, हिडन अकेला कभी नहीं आता, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हिडन नहीं आएगा, हाइड नहीं आएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि ही के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, वर्ब में एस या ई एस आता है। अगर एस लगा होता हाइड में तो जरूर आ जाता, क्योंकि लगा नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर वर्ब का केवल सेकंड फॉर्म आ सकता था, और सेकंड फॉर्म इसलिए आया है, ही हिड माय पेन इन हिज बैग। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ डैश टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला। हाउ डैश टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला। मैनी, मच, एनी और सम। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला। आपने, आप शिमला कितनी बार गए हैं।
सही आंसर इसका मैनी है। क्यों है? मैनी का प्रयोग, मैनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है। यहाँ पर या तो मच आ सकता था या मैनी, और चूंकि जो टाइम्स है ना, यहाँ जो काउंटेबल नाउन है कितनी बार, तो मच आया नहीं, मैनी सही है यहाँ पर। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला। नेक्स्ट सेंटेंस है, खालिस्तान वो आई डैश 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 सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं जवान था तो मैं अच्छा गा सकता था। यहाँ पर बताया गया है, कौन सी बात बताई गई है? यंग थे जब हम, तो अच्छा गाते थे। शुड माने चाहिए, वुड माने पास्ट टेंस है बिल का, कुड कैन का पास्ट टेंस है, उस समय आने होता है कुछ। सही आंसर इसका कुड है। कुड क्यों है? क्योंकि यह पास्ट बीते हुए समय की इसमें एबिलिटी बताई गई है, इसीलिए इसमें हमने कुड का प्रयोग किया है। प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी कैन बताता है, पास्ट टाइम की एबिलिटी कुड बताता है। क्योंकि जी पास्ट टाइम की एबिलिटी है, जब मैं यंग था तो मैं अच्छा गा सकता था, कुड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, ही इज जूनियर डैश डैश यू, फर्स्ट ऑप्शन देन, सेकेंड ऑप्शन फ्राम, थर्ड ऑप्शन टू, फोर्थ ऑप्शन है सम, और आंसर इसका है टू। क्योंकि जूनियर के बाद टू आता है, सीनियर के बाद भी टू आता है, इंफीरियर के बाद भी टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जूनियर है, इसके बाद टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैव हार्डली डैश नॉलेज ऑफ इंग्लिश, दे हैव हार्डली डैश नॉलेज ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट है एनी, सेकेंड है मैनी, थर्ड है मच, फोर्थ नंबर पर है सम। सही आंसर है एनी। दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उनके पास में इंग्लिश का मुश्किल से ही कोई नॉलेज है। एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, हार्डली का प्रयोग हो जाने के कारण, हार्डली एक नेगेटिव सूचक शब्द है, इसलिए जिस सेंटेंस भी नेगेटिव बन गया है, इसलिए यहाँ पर हमने एनी का प्रयोग किया। दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, एनी का जो प्रयोग है वो निगेटिव सेंटेंस में होता है, और इस बात है तो ये अफर्मेटिव, परंतु हार्डली का प्रयोग होने के कारण यह सेंटेंस निगेटिव भाव रखने लगा है। इस कारण से इसमें जो सिंपल होते हुए भी, साधारण वाक्य होते हुए भी, इसमें एनी का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डैश 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 एनी थिंग सिंस मॉर्निंग, आई डैश 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 एनी थिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस के बाद समय हो या फार के बाद समय हो, तो ऐसा केवल और केवल या तो परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है या परफेक्ट टेंस में होता है। दो टेंस हैं जिनमें सिंस के बाद टाइम आता है या फार के बाद टाइम आता है। वे कौन से दो टेंस हैं? वे तीन टेंस हैं, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस। जो जो हमें इस वाक्य ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई भी ऑप्शन नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन का प्रयोग होता है, या तो हैव बीन या हैज बीन या हैड बीन या विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ, हैवंट बीन माने परफेक्ट का की हेल्पिंग वर्ब जरूर दी गई है, हैवंट बी ईटन, हैवंट ईटन। इस कारण से इसमें सही ऑप्शन हैवंट ईटन होगा। हैवंट ईटन का यदि हम प्रयोग करते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस के बाद या फार के बाद टाइम आता है। सही आंसर था आई हैवंट ईटन एनी थिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वियर इज डैश 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 बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, फर्स्ट है ए, सेकंड एन, थर्ड द, और फोर्थ नंबर पर नोवाटिकेट। सही आंसर है द। वियर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, द ही क्यों है? दी का, दी एक डेफिनेट आर्टिकल है, बुक पहले तो बुक इनडेफिनेट था थी क्योंकि, लेकिन जो एक क्लाज लिखा हुआ है दैट आई गिव यू यस्टरडे, इस क्लाज ने बुक को डेफिनेट बना दिया है, जिस कारण से उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। वेयर इज द बुक दैट आई गिव यू यस्टरडे। तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस हैं 1 से लेकर 10 तक, जिनके माध्यम से टेंस की प्रैक्टिस, आर्टिकल की प्रैक्टिस, डिटरमिनर, इन सभी की प्रैक्टिस करवाई है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।